हेलो एवरीवन, बच्चे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि जेई 2022 का थर्मोडायनेमिक पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। और पहले क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिस्कशन का टॉपिक रहा था, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज़ रेडियस आर, टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट। The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that radius becomes r minus a. और आपको बोला है कि a small a जो है that is much much less than capital R. The magnitude of the work done in the process is given by this. मतलब आपको बोला है कि ये जो process था इसमें उसका radius जो है थोड़ा कम हो गया है, compressed हो गया, उस process में जो work है उस bubble पे वो कितना हुआ है ना। तो basically पहली जो चीज़ थी कि आपको ये मेंशन करना था साफ साफ कि वर्क डन जो इस पर हो रहा है वो किसका वर्क डन पूछ रहे हो आप, है ना। सराउंडिंग का वर्क डन पूछ रहे हो आप, जो लिक्विड है वो कितना काम कर रहा है, या फिर जो इसमें गैस है गैस कितना काम कर रही है, ठीक है ना। कि किसी के अंदर तो गैस है, बबल है, बाहर कौन है, वाटर है, ठीक। तो दोनों का काम है, तो हम एक काम करेंगे नेट वर्क डन निकालेंगे दोनों की वजह से, जो बाहर वाला है उसने कितना काम किया है, और जो गैस है, जो गैस कंप्रेस्ड हो रही है तो वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन जब हम इस ऑप्शन को चेक कर रहे थे तो ऑप्शन थोड़ा सा ना डरावना हो गया था। डरावना इसलिए हो गया था क्योंकि जनरली हम लोग आर स्क्वायर का टर्म हमें मिलता है, और यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। ए मतलब क्या था कि वो जो उसमें थिकनेस में जो चेंज आया है, सॉरी जो रेडियस में चेंज आया था उसके टर्म्स में दे रखा था, ठीक है। बट स्टिल हम लोग सोचते हैं कुछ, देखिएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि वर्क डन जो बबल पे होगा वो दो लोगों की वजह से होगा, एक तो है वर्क डन बाय वाटर और एक है वर्क डन बाय द गैस इनसाइड बबल, ठीक है। मैंने इधर जो है दिखाया है कि वर्क डन बाय वाटर क्या होगा, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होने वाला है, और रेडियली आपका जो है प्रेशर लगेगा यूनिफॉर्म तरीके से ऐसे। तो इस केस में अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है तो हमें सिंपली क्या करना है, पी डेल्टा वी लगा देना है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया कि मान लीजिए वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया तो वो क्या पी नॉट डेल्टा वी, दैट इज अ वर्क डन बाय लिक्विड, और डी वी क्या ले सकते हो आप, सिंपल 4πr² dr। डी आर को मैं बाद में स्मॉल ए से रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि डी आर इज अ सिंपली चेंज इन रेडियस, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पर डील कर लेंगे उसको, ओके। अब मसला है भाई वर्क डन बाय गैस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में अंदर का जो प्रेशर है उसको अगर आपने पी नॉट मान लिया, कांस्टेंट मान लिया कि बाहर पी नॉट था अंदर पी वी नॉट है, जो कि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कि अंदर वाला प्रेशर बदल रहा है ना। और वो तब बदलेगा जब वो क्वेश्चन में कह देगी सरफेस टेंशन यहाँ पे आया था, सरफेस टेंशन है, ऑल दो सरफेस टेंशन इज अननोन बट सरफेस टेंशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें लेके यहाँ पे चलना है कि अंदर का प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा, हाँ इनिशियली उसका प्रेशर पी नॉट था, बट पी नॉट से जब उसे आप कंप्रेस करोगे बबल को तो पी नॉट से वैल्यू चेंज होगा। तो मैंने उसको यहाँ पर अभी लिख दिया ऐसे कि वर्क डन बाय गैस इज सिंपल पी डी वी, प्रेशर पी नॉट से पी नॉट प्लस डी पी, है ना। और ये चीज़ होती है एरिया अंडर पी वी ग्राफ। तो मैंने सोचा ना एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करा, ये कुछ तो एडियाबेटिक कंप्रेशन मैंने दिखाया है ऐसे, ठीक। अब आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि इसमें जो कंप्रेशन हुआ है, जो कंप्रेशन हुआ गैस का, उसमें जो वॉल्यूम चेंज आया वो बहुत कम है। तो मैं इस वेरिएशन को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन मान लें तो एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वही वर्क डन बाई गैस आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ये जो वर्क डन आएगा टोटल एरिया वो हम नेगेटिव में लिखेंगे, ओके सर। आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो, एक तो ट्राइंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों का एरिया हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर में चेंज आया वो डी पी का आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ वो डी वी का हो गया, ठीक। तो ये आपका आ गया ट्राइंगल का एरिया, ये है रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो गया वर्क डन बाई गैस, ठीक। टोटल जो वर्क डन आएगा उसमें हम लोग वर्क डन बाई लिक्विड, वर्क डन बाई गैस ऐड कर देंगे, हमने ऐड किया तो मुझे ये मिल गया माइनस हाफ डी पी इंटू डी वी। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते थे कि जो वर्क डन बाई एटमॉस लिक्विड था उसमें वो कांस्टेंट प्रेशर रख के वो यहाँ से आ गया है, वॉल्यूम को उसने जो है बढ़ाया एक तरीके से, है ना। उसने तो पॉजिटिव वर्क किया है,
जो लिक्विड था सराउंडिंग वाला, है ना, सराउंडिंग लिक्विड ने पॉजिटिव काम किया, तो ग्राफ में ये दिखाया जा सकता है। और ये वाला ग्राफ कौन सा रहेगा, किसके लिए रहेगा, जो गैस इनसाइड द बबल है उसका रहेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव, तो यही आपका बचेगा, वो हमने फाइनली यहाँ पे लिख दिया, सही है। तो ये टोटल वर्क डन आ गया, नेट वर्क डन आ गया ऑन दिस सोप बबल ड्यू टू बोथ लिक्विड जो कि वाटर था एंड गैस, ठीक। अब हमारा काम इनको सॉल्व करना है, डीपी और डीबी। फिर हमने सोचा यार कि गैस में जो प्रोसेस हो रहा है, उसने बोला है कि एडियाबेटिक है, वो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक, है ना। अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो हम इस गैस, ये इस वाले लॉ को फॉलो कर सकता है। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में रखा, तो यहाँ पे हमने डीपी का वैल्यू निकाल लिया, या माइनस डीपी, वो आया हमारे पास गामा पी अपॉन वी टाइम्स डीवी, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको यहाँ पे डीवी का दो टर्म मिल जाएगा, डीवी स्क्वायर हो गया, एक वी नीचे चल रहा था, तो डीवी अपॉन वी इंटू डीवी, और डीवी अपॉन वी को मैं लिख सकता हूँ 3 times डीआर अपॉन आर, क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज था, आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। और फिर इस डीवी को मैं लिख सकता हूँ 4π आर स्क्वायर डीआर, और एक डीआर यहाँ था तो वो डीआर का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो और डीआर को मैंने क्या बोला था, ए से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे डीआर का स्क्वायर का टर्म आ गया जो कि ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास फाइनली वर्क डन जो आया वो इतना आया। और गामा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, आप अगर देखना चाहेंगे क्वेश्चन में गामा का वैल्यू दे रखा 41/30, है ना, तो इसको आप यहाँ पर रख देंगे 3/2 41/30 पी टाइम्स 4π r ए स्क्वायर, और यही पूरी जो वैल्यू है वो एक्स, यही पूरी वैल्यू इसके बराबर आप कर देंगे 4π p0 r a स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, 4π p0 a स्क्वायर r times x, दोनों साइड आप इक्वेट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, x x आता है शायद 2.05 समथिंग, ठीक है, तो वो तो आप कर ले जाएंगे। मेन ये था कि ये जो क्वेश्चन में आंसर ये आया कैसे, तो उसमें जो मेन लॉजिक मैंने लगाया वो यही था कि जो प्रोसेस था उसको ऑलमोस्ट मैंने क्या कर लिया, जो है स्ट्रेट लाइन मान लिया, था तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं, बट वो इतना छोटा वॉल्यूम था कि हम उसमें वो अप्रॉक्सिमेशन लगाने में सफल हो गए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, तो मिलते हैं।